हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल ट्लो का अन्ना ब्लॉग। तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एक्शन के ऊपर बैंक अकाउंट कैसे लिंक कर सकते हैं। कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि यूट्यूब हमें पैसे कैसे देता है। तो यूट्यूब हमें पैसे बैंक अकाउंट में देता है, तो ये बैंक अकाउंट हमने एक्शन के साथ लिंक करना होता है। चलते हैं मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, सीखते हैं कि आप बैंक अकाउंट किस तरह से लिंक कर सकते हैं। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने एक्शन का अकाउंट आपसे के सामने ओपन कर रखा है। तो आपने यहाँ तीन लाइन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, फिर नीचे आपने पेमेंट के पास पेमेंट इन्फो के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। पेमेंट इन्फो के ऊपर क्लिक करने के बाद ये देखें, यहाँ पर लिखा हुआ पेमेंट अकाउंट, तो यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। तो नीचे सेकंड जो लिखा यूट्यूब, तो यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आ जाएंगे। ये देखें, यहाँ पर यू आर अर्निंग $30 हो गया है यहाँ पर अर्निंग। तो ये याद रखें कि $100 होने से पहले भी बैंक अकाउंट लिंक करने का ऑप्शन आ जाता है। जब $100 हो जाते हैं तो इसके बाद पेमेंट आप निकाल सकते हैं। तो नीचे यहाँ पर आ जाएं, तो ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ यू गेट पेड। तो यहाँ पर नीचे आ जाएं तो यहाँ पर लिखा है ऐड पेमेंट मेथड, तो ऐड पेमेंट मेथड के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जब ऐड पेमेंट मेथड के ऊपर आपने क्लिक किया तो नीचे ये डिटेल आ जाएगी, तो आपने वो डिटेल यहाँ पर पुट कर देनी है। तो यहाँ पर देखें, कुछ लोग यहाँ पर गलती करते हैं कि यहाँ पर ये सेकंड वाले ऐड न्यू चेक डिटेल यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर आपने क्लिक नहीं करना, आपने यहाँ पर फर्स्ट वाले पर क्लिक करना है, ऐड न्यू वायर ट्रांसफ़र डिटेल। तो यहाँ पर आपने क्लिक किया, बेसिकली ये बैंक अकाउंट की डिटेल होती है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद नीचे ये ऑप्शन आ जाएंगे कि आपने यहाँ नेम और बैंक अकाउंट, बैंक नेम, स्विफ्ट, BSE, IBN, तो ये आपने सब ये डिटेल देनी है। तो यहाँ पर आपने कौन सी डिटेल और किस तरह डिटेल देनी, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है। तो फर्स्ट वन ये देखें, ये फर्स्ट वन यहाँ पर बेनिफिक्शरी आईडी तो ऑप्शनल है, तो इसको छोड़ दें, इसमें कुछ नहीं लिखना। नीचे आ जाए सेकंड नेम ऑन बैंक अकाउंट, तो यहाँ पर आपने नेम ऑन बैंक अकाउंट के नीचे आ जाना, यहाँ पर नेम ऑन बैंक अकाउंट, तो आपके बैंक का अकाउंट का जो टाइटल है तो वो टाइटल आपने यहाँ पर लिख देना है बिल्कुल एक्यूरेट। मिसाल के तौर पर मेरे बैंक अकाउंट का टाइटल है हसनैन खान, तो यहाँ पर मैं हसनैन खान एक्यूरेट लिख दूँगा। तो नीचे सेकंड वन पे आए बैंक नेम, तो आपने यहाँ पर बैंक नेम देना है, जिस अकाउंट जिस बैंक में आपका अकाउंट बना हुआ है उस बैंक का नाम यहाँ पर आपने लिखना है। तो मिसाल के तौर पर UBL बैंक है, तो उसका आपने यूनाइटेड बैंक लिमिटेड सेलेक्ट कर देना है। MCB तो मुस्लिम कमर्शियल बैंक, आपने बैंक का यहाँ पर नेम सेलेक्ट कर देना। इसी तरह से आपने बैंक का यहाँ पर नेम सेलेक्ट कर देना है। नेक्स्ट वन स्विफ्ट BIC, इसे स्विफ्ट कोड भी कहते हैं, ये हर बैंक का अलग होता है। इसको स्विफ्ट को ये 8 या 12 वर्ड्स का ये कोड होता है। इसको आप ये बैंक अकाउंट इसका जो मैनेजर होगा बैंक का उसको भी कॉल करके आप पूछ सकते हैं कि स्विफ्ट कोड बता दें बैंक का, जो जिस बैंक की ब्रांच में आपका, ये मिसाल के तौर पर MCB की ब्रांच में आपका अकाउंट है, तो MCB के आपके बैंक में ब्रांच में जाएंगे तो वहाँ पर आप मैनेजर से पूछ लेंगे स्विफ्ट कोड हमको बता दें। तो आप यहाँ इसको गूगल पर भी आप ये चेक कर सकते हैं अपनी जिस बैंक में आपका अकाउंट है उसका स्विफ्ट कोड। तो ये स्विफ्ट कोड इस तरह से होता है, ये देखिए यहाँ MCB का, तो ये इसका फर्स्ट 4 डिजिट इसका नाम होगा MCB, नेक्स्ट इसका कोड है PKA, तो इसी तरह का ये स्विफ्ट कोड होता है। तो नीचे आपने IBN नंबर सेलेक्ट कर देना। IBN नंबर क्या होता है, IBN नंबर होता है इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर। तो ये IBN नंबर 24 करेक्टर का होता है, तो ये आपकी चेकबुक के ऊपर भी लिखा होता है। तो IBN नंबर यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देना है। मिसाल के तौर पर फर्स्ट इसका होता है कंट्री कोड है PK02, मिसाल के MUCB, ये IBN। इसके बाद आपने यहाँ आगे यहाँ बैंक अकाउंट जो होगा उसका नंबर देना है, जिस तरह से मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ 12
96 और इसी तरह से आगे नीचे आ री टैब आईबीएन, तो नीचे आपने आईबीएन को रीटेप कर देना है, तो नीचे आ जाना है। इसके बाद सेट एज प्राइमरी मेथड, तो सेट एज प्राइमरी मेथड क्या होता है, ये सेट एज प्राइमरी मेथड अगर आपके आपका अकाउंट एडसन का 2 या 3 बैंक अकाउंट से लिंक है, तो आप जिस अकाउंट में पेमेंट लेना आप जिस अकाउंट में पेमेंट लेना चाहते हैं उस पर यहाँ पर क्लिक कर देना, तो पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगी। इसके बाद आपने सेव के ऑप्शन को क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर आपका गूगल इस तरह से आपने बैंक अकाउंट लिंक करना है एडसन के अकाउंट पर। वीडियो अच्छी लगी है तो समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब, चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।